उर गांव में दीनू नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दीनू बहुत ही मेहनती था। दीनू की पत्नी रिंकू भी काफी मेहनती थी। वो भी अपने पति के साथ खेतों में काम किया करती और अपना घर चलाती। एक रोज रिंकू सुबह सुबह खाना बना रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन चमेली का आना होता है। अरे क्या बात है रिंकू, बड़ी जल्दी में घर का काम कर रही है। अच्छा तुझे खेतों में भी तो जाना होगा ना, वैसे आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। क्या करें, महंगाई का जमाना है, करना तो पड़ेगा ही ना। तू भी तो बाजार में चादर बेचती है और रामू खेतों में काम करता है, ये सब महंगाई ही तो है जो घर के सभी लोगों को काम करने पर मजबूर करती है। लेकिन तब भी तो देखना, घर का खर्चा तो पूरा ही नहीं हो पाता। अरे ये तो तू सही कह रही है रिंकू, मैं तो बस तुझसे मिलने चली आई थी। और बता सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस खाना बनाकर मैं भी खेत में काम करने के लिए ही निकल रही हूँ। अरे मैं भी चलती हूँ, वैसे तो मैंने तुझे देखा तो सोचा हाल चाल ले लूँ, शाम में तो तू मिलते ही नहीं घर पर, मैं भी बाजार के लिए ही निकल रही थी। इतना बोलकर चमेली अपने घर चली जाती है और वही रिंकू खाने की एक पोटली बांध कर खेतों में निकल जाती है। और अब जब रिंकू खेतों में पहुंचती है तो दीनू खेत में काम कर रहा होता है। क्या बात है चमेली, आज तुम्हें आने में लेट कैसे हो गया? खाना बनाने में लेट हो गया था या घर का काम करने लगी थी? क्या बताऊं आपको, चमेली आ गई थी, घर का हालचाल पूछ रही थी, बस उसी से बातें करने में देरी हो गई। मुझे भी रामू मिला था, कह रहा था कि अब वह खेतों में काम ना करके अपनी पत्नी के साथ चादर बेचने ही जाया करेगा, सर्दी का मौसम भी है और कमाई भी अच्छी हो जा रही है। ये तो अच्छी बात है ना जी, कोई तो गांव में तरक्की कर रहा है, वरना गांव के अधिकतर लोग तो सरपंच जी के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हमें भी स्वेटर और जैकेट का काम कर लेना चाहिए, सर्दी भी है, लोगों को अभी इन सभी चीजों की जरूरत भी होती है, हमारा काम भी निकल जाएगा। लेकिन सर्दी खत्म होते ही हम फिर से सरपंच जी के खेत में ही काम करने चले जाएंगे, तो क्या सरपंच जी से दुश्मनी मोल लेना सही है? रामू का क्या, वो तो चोरी चकारी करके भी घर चला ही लेता है। बात तो तुम्हारी भी एकदम ठीक है रिंकू, चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं वरना सरपंच जी खेत का ब्योरा लेने आएंगे तो खामखा हम पर चिल्लाएंगे। रिंकू और दीनू एक दूसरे से बातें करते हुए खेत में काम करने लगते हैं और देर शाम खेत में काम करने के बाद घर आते हैं और खा पी कर सो जाते हैं। पूरा गांव सन्नाटा हो चुका था, लेकिन अगली सुबह जो होने वाला था उससे सभी गांव वाले अनजान थे। अगली सुबह के साथ ही लोगों में डर और घबराहट का माहौल बना हुआ था, और ये डर था सर्दी में बर्फ की चादर का। दरअसल गांव में गिने चुने लोग ही थे और जो लोग भी थे उनके पास जो चादर थी वो रामू की देन थी। जी जो मैं देख पा रही हूँ वो आप भी देख पा रहे हैं, भला आपकी चादर पर सफेद बर्फ कैसे जम सकती है? इसका मतलब जो तुम देख रही हो वह मैं भी देख रहा हूँ, और तुम्हारे चादर पर यह बर्फ कैसे आए? मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी सर्दी हो गई है कि लोगों की चादरें बर्फ की बन गई हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हो क्या रहा है? रिंकू और दीनू दोनों की ही चादर बर्फ की हो चुकी थी, लेकिन तभी उनके घर उनकी पड़ोसन चमेली का आना होता है। वो भी बर्फ की चादर ओढ़े हुए ही वहाँ आती है। अरे चमेली भाभी, आपकी चादर भी बर्फ की है, लेकिन यह सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी ही नहीं बल्कि गांव में जितने भी लोग हैं, मैंने अपनी चादर उन्हें बेच दी, वो सभी बर्फ की हो चुकी है। मुझे तो उन बाबा का श्राप लगता है, ना जाने अब गांव में क्या होने वाला है। एक तो पहले से ही ठंड का कहर, ऊपर से बर्फ की चादर लोगों की जान ना ले ले। चमेली रिंकू और दीनू को इतना कहती है कि तभी वहां रामू आ जाता है, और रामू भी बर्फ की चादर ओढ़े था, लेकिन वो चमेली को रिंकू के घर से खींचता हुआ ले जाने लगता है। तुझे मैंने मना किया था ना कि तू किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, क्या जरूरत थी तुझे बताने की कि हमारी बेची हुई चादरें बर्फ की चादर में बदल गई हैं? ये आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप सही नहीं कर रहे, मुझे सच बताने दीजिए वरना गाँव के लोग बर्फ की चादर से मारे जाएंगे। पहले से ठंड का कहर लोग झेल नहीं पा रहे, मेरा हाथ छोड़िए। चल
तू घर चल, मैं तुझे घर से निकलने नहीं दूंगा। तू होती कौन है किसी को भी अपने घर की बात बताने वाली? क्या रिंकू भाभी या तीनू आता है अपने घर की बातें बताने तुझे? इतना बोलकर रामू चमेली को वहां से खींचकर अपने घर ले जाता है और दीनू और रिंकू ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुबह का समय था और लोग इस बात से हैरान थे कि उनकी चादर आखिर बर्फ की चादर में कैसे तब्दील हो गई। और ये चादर वही चादर थी जो रामू और चमेली ने गाँव के लोगों को बेची थी। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है इसने हमें जकड़ लिया है, हमें कुछ करना होगा वरना ये बर्फ की चादर हमारी जान ले लेगी। तुम एकदम सही कह रही हो रिंकू, लेकिन उससे पहले हमें चमेली भाभी से मिलना होगा। चमेली भाभी जो कह रही है उस पर हमें गौर करना होगा कि आखिर वह कहना क्या चाह रही थी। दीनू और रिंकू दोनों ही घर से बाहर निकलते हैं और वो लोगों को हैरान परेशान बर्फ की चादर में लिपटे देखते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी रिंकू दीनू से कहती है, मैं भी अब इस बर्फ की चादर से खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगी, मेरे अंदर की बॉडी ठंडी होती जा रही है। इस सर्दी के समय में बर्फ की चादर हमें मौत के मुंह तक ले आई है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है ये बस चमेली भाभी बता सकती हैं। वह देखो रामू कहीं जा रहा है, हमें चमेली भाभी के पास पहुंचना होगा। इतना बोलने के बाद रिंकू और दीनू चमेली के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चमेली अपने कमरे में बर्फ की चादर में लिपटी रो रही थी और वो रिंकू को देखकर कहती है, तुम जल्दी से जंगल वाली गुफा में जाओ, उस गुफा में एक साधु बाबा है जो तपस्या में लीन है, बस तुम उनसे कहना कि वो अपना श्राप वापस ले ले। ये आप कैसी बात कर रहे हो चमेली भाभी, भला हमारे गाँव पर कौन सा श्राप है और कौन साधु बाबा? मैं इस बर्फ की चादर की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ऊपर से ये ठंडा मौसम मुझसे झेला नहीं जा रहा, क्या पता तुम्हारे आने तक मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम गांव वालों की जान बचा लो। लेकिन चमेली तुम कहना क्या चाहती हो, आखिर उस साधु बाबा ने किसी और क्यों गांव को श्राप दिया है? ये बताने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हो सके तो वो साधु बाबा तुम्हें सब बता दे। इतना बोलकर चमेली बेहोश हो जाती है। रिंकू और दीनू दोनों काफी परेशान थे, उन्हें चमेली के साथ साथ गांव वालों की जान भी बचानी थी और वो चमेली को बताए हुए जंगल वाली गुफा में पहुंचते हैं जहां एक साधु तपस्या कर रहा था। बाबा हम यहां जिस परेशानी से आए हैं आप उससे अवगत होंगे, अगर आप उसके बारे में जानते नहीं तो मैं आपको बता दूं कि उदयपुर गाँव और उसके लोग ठंड के कहर से बेहाल है, इसके बावजूद उन पर कहर बनकर टूट रहा है उनका बर्फ का चादर। अब आप ही इसका कोई समाधान निकालिए वरना गांव के लोग मारे जाएंगे। बाबा हमें पता नहीं आपके श्राप की वजह से ये सब हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। साधु रिंकू और दीनू की बात सुनकर एकदम से अपनी आंखें खोलता है। हालांकि वो साधु कुछ बोल नहीं सकता था जिस वजह से वो अपने हाथों को आगे करता है और जादू से सुनहरे अक्षरों में जो लिखता है उसे दीनू पढ़ता है। मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन मेरी तपस्या के कारण मेरे पास अपार शक्ति है। कुछ दिनों पहले एक पति पत्नी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश की, मेरे साथ हंसी मजाक किया। जब मैंने अपनी आंखें नहीं खोली तो उन्होंने मेरे ऊपर झूठा पानी डाल दिया और जब मैंने आंख खोली तो मैंने गांव वालों को श्राप दे दिया कि गांव के लोग बर्फ के चादर से ढक जाएंगे और इस ठंड के मौसम में वह बर्फ की चादर में लिपटे होंगे जिससे लोगों की मौत भी हो सकती है। इसका मतलब वो पति पत्नी चमेली और रामू ही थे। बाबा आप उनकी सजा पूरे गांव वालों को क्यों दे रहे हैं, और उनसे अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन गांव वालों को इस दुविधा से निकाल दीजिए वरना उनकी मौत हो जाएगी। मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, बस तुम दुआ करो कि सूरज की किरणें इस काले घने बादल को चीरती हुई निकल जाएं ताकि बर्फ की चादर उन किरणों से पिघल जाए, मैं इतना ही कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है जिससे गांव वालों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। मैं तुम्हें अपने कमंडल का जल देता हूँ, जिस जिस पर बर्फ की चादर पड़ी हुई है उस पर यह जल छिड़क देना, वह चादर पिघल कर पहले जैसी हो जाएगी। दीनू और रिंकू साधु बाबा का दिया हुआ जल कमंडल लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और गाँव आकर वो हर एक लोगों पर बाबा का दिया हुआ जल छिड़कते हैं, यहाँ तक कि वो अपने चादरों को भी पहले जैसा करते हैं।
तुम लोगों ने कर दिखाया। ये सब मेरे पति की वजह से हुआ है। उन बाबा ने तुम्हें बता ही दिया होगा, इस अपराध में मैं भी शामिल थी। मैं भी इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वह सब तो पुरानी बातें हैं, उसे भूल जाओ। लेकिन अभी रामू कहाँ है? कहीं वह भी बर्फ की चादर की ठंड को झेल ना पाया हो और उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जल्दी चलो, हम रामू को ढूंढते हैं। इतना बोलकर दीनू, चमेली और रिंकू रामू को ढूंढने के लिए खेतों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो गांव के पास वाले खेत में बर्फ की चादर से लिपटा बेहोश पड़ा था, जिस पर जल्दी से दोनों बाबा का दिया हुआ जल छिड़क कर उसे पहले जैसा करते हैं। हालांकि जब रामू को सारी बात पता चलती है तो उसे अपने किए का बहुत पछतावा होता है और वो फिर कभी ऐसी गलती ना करने की ठान लेता है। कमल एक किसान था जो कि खेती करके ही अपना गुजारा करता। कमल की खेती से ही उसकी इतनी कमाई हो जाती थी। इस बार अच्छी फसल होने की खुशी में कमल एक गाय खरीद लाया, लेकिन वो गाय थोड़ी सी बूढ़ी थी। घर लाने पर वो एक जगह टिक कर बैठ जाती है। तभी कमल की पत्नी रानी आंगन में आती है और एक गाय को देखकर बोलती है, अरे ये क्या, ये किसकी गाय ले आए आप? किसकी नहीं, हमारी है, खरीद कर लाया हूँ मैं इसे। पर क्यों लाए? हमारे पास पहले से दो गाय और दो बैल हैं, तो इसकी क्या जरूरत थी? तू नहीं समझेगी, ये बहुत बड़ी कहानी है। तो छोटी करके सुनाओ, पर सुनाओ। रानी के कहने पर कमल उससे बोलता है, क्या है ना, मैं शहर गया था खेतों के लिए बीज लेने। तभी रास्ते में देखा कि यह गाय जमीन पर बैठी है। इसका मालिक इसको बहुत जोर जोर से मार रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? गाय वाले ने तुम्हें गाय दे दी और चला गया? अरे नहीं रे, सुनो तो। उसके बाद हुआ कि मुझे इस गाय पर तरस आ गया और फिर मैंने उस आदमी को रोकते हुए कहा, हे मूर्ख आदमी, इस गाय को क्यों मार रहा है? तो उसने कहा कि यह गाय एक जगह पर बैठ गई है और उठी नहीं रही है, अब मैं क्या करूं उसका। तब मैंने कहा कि ऐसा करो, अगर मैं इसको उठाने में कामयाब रहा तो ये गाय तुम मुझे बेच दोगे। फिर तुम इसको लेकर आए हो, इसका मतलब तुमने उठा दिया था क्या? लेकिन कैसे? अरे तुम भी ना सुनती नहीं हो पूरी बात। मैं कुछ घास लेकर आया और मैंने गाय को कहा कि अगर इस घास को तुमको खाना है तो मेरे साथ चलो। बस ये आलसी गाय खाने के लिए मेरे पीछे चल दी और अब ये यहाँ है। हे भगवान, मेरा पति दिमागदार तो है लेकिन मूर्ख भी है। ये आलसी गाय ले आया, पता नहीं ये क्या ही कारनामे करेगी। खैर, तुम संभालो अपनी गाय, मैं चली काम पर। रानी इतना कहकर कामों में लग जाती है। कमल गाय को बाकी की गाय और बैलों के साथ बांध देता है। कुछ देर में वो सभी गायों को चारा डाल देता है। आलसी गाय भी आराम से बैठकर चारा खाती है और फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह कमल सोचता है कि वो गाय और बैलों को खेतों में ले जाए ताकि बैलों से थोड़ा बहुत हल जुतवा सके और गाय को चारा खिला सके। लेकिन उसकी लाई आलसी गाय अपनी जगह से उठती ही नहीं है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब वो अपनी जगह से नहीं हिलती तो कमल अपनी दूसरी गाय और बैलों को लेकर खेत के लिए निकल जाता है। उसके पीछे से रानी आंगन में आती है तो आलसी गाय को तबेले में ही बंधा देखती है। ये देखकर वो गुस्से में कहती है, ना जाने मेरे पति की बुद्धि को क्या हुआ जो इस आलसी गाय को लेकर आ गए। देखो कैसे आराम से पसरी हुई है, मैं तो नहीं करूंगी इसकी आवभगत। रानी इतना कहकर चली जाती है। शाम को कमल अपने बैलों और गाय को लेकर आता है। अब भी उसकी आलसी गाय बैठी बैठी सो रही थी। कमल आकर उसको चारा डालता है। बाकी की दो गाय उस आलसी गाय को देखकर गुस्से में उसके पास से दूर हट जाती है। अगली सुबह कमल अपनी गायों बैलों को फिर से खेत पर लेकर जाता है, लेकिन वो आलसी गाय अब भी नहीं उठती। कमल अच्छे दिल का आदमी था, उसने अपने जानवरों पर कभी हाथ नहीं उठाया था, इसीलिए आज भी वो अपनी बाकी की गायों को लेकर जाने लगता है। और उसकी पड़ोसन सोमवती कमल के घर आती है और आवाज लगाती हुई बोलती है, अरे कमल भैया, कहाँ जा रहे हो? रानी बहन कहाँ हो? सोमवती की आवाज सुनकर रानी बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ सोमवती बहन, ये तो खेत चले गए, कोई काम था क्या? वो हमारे बैल की तबीयत खराब है, जरा अपना बैल दे दो, खेत जोत के शाम को ले आऊंगी, चिंता ना करना।
चारा भी अच्छा खिलाऊंगी। पर सारी गायें और बैल ये लेकर गए हैं गायें को चराने और बैलों को खेतों में जुतवाने, तुमको मैं बैल कहाँ से दूं? अरे क्यों झूठ बोल रही हो रानी बहन, वो तबेले में क्या जुगाली कर रहा है? अरे ये तो एक गाय है, एक नंबर की आलसी है, इसको सिर्फ खाना और सोना आता है। बहन गाय ही दे दो, बाकी नहीं देनी तो मना कर दो, ऐसे बहाने मत मारो। अरे अब क्या कहूँ, ले जाओ मेरा क्या जाएगा, मगर ये जाएगी नहीं, बहुत आलसी जो है। सोमवती गाय को चलने को कहती है लेकिन वो नहीं उठती, वो काफी जोर लगाती है लेकिन गाय टस से मस तक नहीं होती और जाने का नाम तक नहीं लेती। लेकिन कुछ देर के बाद में गाय का जाने का मन कर जाता है और सोमवती ये देखकर खुश होती है और वहां से उसे लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही सोमवती अपने पति के साथ उस गाय को अपने खेतों में लेकर जाती है, वो आलसी गाय वहीं पर बैठ जाती है। सोमवती और उसके पति की लाख कोशिश करने के बाद भी वो गाय टस से मस नहीं होती। सोमवती और उसका पति उस गाय के आगे चारा लाकर रखते हैं, पानी लाकर रखते हैं, अलग अलग तरह की चीजें लाकर रखते हैं कि जिससे वो उन्हें खा ले और उठकर खेत जोतने लगे। लेकिन गाय अपनी जगह पर बैठी रहती है, अंधेरा होने पर अपने आप उठकर खड़ी होकर चलने लगती है। ये देखकर सोमवती को बहुत गुस्सा आता है और वो गाय को वापस से रानी के घर ले जाती है और उससे बोलती है, अरे रानी बहन कहाँ हूँ, जल्दी बाहर आओ। रानी और कमल दोनों ही घर के आंगन में आते हैं जहाँ सोमवती गाय को ले खड़ी थी और दोनों के आते ही बोलती है, अरे बहन अपनी आलसी गाय को वापस रख लो, किसी काम की नहीं है ये, बल्कि मेरा खर्चा और ही बढ़वाया इसने तो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था बहन, तुम ही नहीं मानी, अब भुगतो। अरे लेकिन इतनी आलसी गायें तूने रखी ही क्यों है, अपने घर के अंदर से इसे निकाल दे, किसी काम तो आती जाती नहीं है। देखो सोमवती बहन, ये बात जरूरी नहीं कि जो चीज काम ना आए वह चीज घर में रखने लायक नहीं। भले ही यह गाय आलसी है लेकिन देखना एक दिन यह गाय मेरे सबसे ज्यादा काम आएगी। इतना बोलकर कमल उस गाय को वापस से तबेले में बांध देता है। दिन गुजरते हैं लेकिन वो गाय तबेले से कहीं बाहर नहीं जाती, जब उसका मन करता तो वो उठती वरना एक ही जगह पड़ी रहा करती। दोनों पति पत्नी गाय की सेवा करके थक गए थे, गाय के कारण बाकी के गाय और बैलों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते एक दिन रानी कमल के पीछे से उस गाय को खोलती है और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर के रास्ते पर ले जाकर छोड़ देती है। तूने कुछ तो करना है नहीं, बस बैठे बैठे मेरा काम बढ़ा, तेरे कारण दूसरे पशु भी आलसी होते जा रहे हैं, मेरे पति तो तुझे कभी निकालेंगे नहीं घर से, इसीलिए ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। रानी गाय को रास्ते पर छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। अब जब शाम को कमल घर आता है तो अपनी गाय को घर में ना देखकर रानी से पूछता है, रानी मेरी गाय कहाँ है? अरे बताओ कहाँ है, वो मुझे दिख क्यों नहीं रही, कोई उसको लेकर गया क्या? नहीं आएगी अब, वो छोड़ आई उसे मैं गांव के बाहर। अरे उस आलसी गाय की सेवा कर करके मैं थक गई थी, कुछ करती तो है नहीं, बस चारा खाती रहती है, उसकी वजह से बाकी के दो गाय और बैलों को ठीक से खाना नहीं मिलता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अरे वो तो एक जानवर है, हम तो उस गाय को माता के रूप में जानते हैं, तुम गाय को ऐसे ही कैसे छोड़ आई? अगर वो गाय कुछ नहीं कर सकती तो उस गाय को क्या वैसे ही बैठा कर हम खिला नहीं सकते? हाँ उस आलसी को ऐसे ही बैठा कर खिलाओ और उसके चक्कर में जो काम करते हैं उन बैलों को कम खाना दो ताकि ये भी देख कर आलसी बन जाए। रानी इतना बोलकर चुप हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। लेकिन कमल रात में ही उस गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कमल पूरे गांव में और गांव के बाहर के रास्ते पर देखता है पर उसे वो गाय कहीं भी नहीं मिलती। बेचारा निराश होकर घर आता है और अगले दिन गांव में एक घोषणा की जाती है, सुनो 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 गांव वालों सुनो, जंगल में एक चीता भाग चुका है जो गांव की तरफ ही आ रहा है, सभी अपने अपने घरों में रहकर अपने जानवरों की रक्षा करें और अपने जानवरों को घर में ही रखें, जंगल के कुछ अधिकारी उस चीते को ढूंढते हुए गांव में आएंगे तो जब तक उसको ना पकड़ा जाए अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों के दरवाजे बंद रखें, सुनो सुनो सुनो। ये सब कुछ सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं
लेकिन कमल गांव के बाहर गया हुआ था खेतों के लिए बीज लेने। रानी को कमल की चिंता हो रही थी, वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी वो खिड़की से देखती है कि कमल घर के दरवाजे पर आने ही वाला होता है, पर अचानक कमल के आगे वो चीता आ जाता है। ये देखकर रानी अपने घर के आंगन में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बचाओ, अरे मेरे पति को बचाओ, उनके सामने चीता है, वो उसे खा जाएगा, मेरे पति को कोई तो बचाओ। गांव के लोग अपने घर की खिड़की दरवाजों से झांकते हुए देखते हैं कि कमल के सामने चीता खड़ा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी चीता दबे कदमों से कमल की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक उस पर कूद कर हमला करने लगता है कि तभी कमल की आलसी गाय उसके आगे आ जाती है और उस समय उस गाय और चीते में लड़ाई होती है। हालांकि गाय कमजोर होने के कारण चीते से हारने वाली थी, लेकिन जब तक वो लड़ती है कि इतने में ही जंगल के अधिकारी वहां आ जाते हैं और वो बेहोशी की गोली मारकर चीते को बेहोश करते हैं और गाय घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। गाय की ऐसी हालत देखकर कमल उसके पास जाता है और जोर जोर से रोती हुई कहता है, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, तुम मुझे अभी तक नहीं मिली और जब मिली तो मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर गई। रानी, ओ रानी, कहां हो, बाहर आओ, देखो, तुम्हें कहती थी ना ये गाय आलसी है, आज इस आलसी गाय ने तुम्हारा सुहाग बचाया। सोमवती बहन, तुम कहां हो, देखो ये गाय कितने काम की निकली। मेरी प्यारी गाय, मुझे माफ कर देना, तुम मेरे कारण इतना ज्यादा दर्द सह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें शहर के अच्छे से अच्छे पशु चिकित्सालय लेकर जाऊंगा और तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। कमल गाय को पशु चिकित्सालय ले जाता है, उससे पहले ही वो गाय दम तोड़ चुकी थी। कमल के घर पर बैठकर खाने का कर्ज उस गाय ने चुका दिया, साबित कर दिया कि भले ही वो आलसी थी लेकिन वो वफादार भी थी। गाय की वफादारी को देखकर रानी के भी आंसू निकल आते हैं। इतना ही नहीं, गाय के बलिदान पर पूरा गांव आंसू बहाता है।